सो गाइज वेलकम बैक टू चैनल, दिस इज चिन्मय पाडिकर एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल पाडिकर चिन्मय ब्लॉग्स फ्रॉम आपला पुणे. इन दिस ब्लॉग वी विल इंस्टॉल द चिन माउंट, ब्लू आर्मर्स चिन माउंट ऑन द हेलमेट. ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये जो है यहाँ पे अपने को ये जो है ब्लू आर्मर का माउंट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रखते हैं यहाँ पे और फटाक से इसका पैकेज निकालते हैं. अभी तक कभी हमने अच्छे से ओपन किया है क्या? सो आज करेंगे. सो दिस इज़ द माउंट गाइस, दिस इज़ द चिन माउंट. तो इसको कैसे माउंट करना है यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ. सो या जो माउंट है वो लगेगा यहाँ पे, बराबर यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ तक आ जाता है बराबर से ये तक. बट लगाते वक्त आपको अच्छे से लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार लग गया सो बाद में नहीं निकलेगा ये, क्योंकि 3M टेप है और 3M टेप की पकड़ बहुत बढ़िया रहती है. सो इसकी वजह से आपको एक बार लगाने के बाद ये पूरा वेस्ट हो जाता है, फिर बाद में इसको निकल नहीं सकते. सो देन और यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको कोई भी 3M टेप नहीं दिख रहा है. सो उसके लिए हमारे पास भी एक टेक्निक है. सो हमारे पास पहले से एक 3M टेप पड़ी हुई है. यस, हमारे पास भी एक ही बाकी है, वो भी ऐसे वाली. तो देखते फिट बैठती है क्या, तो उसकी वजह से कट कर लेंगे वैसा. सो ये यहाँ पे बैठेगी, इसको कट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसा कट करना पड़ेगा. कैसा कट करें इसको, ठीक है इतना कट कर लेंगे, यहाँ तक मार्किंग करते हैं. सो ऐसा तो कट कर लिया, बट साइड से जो है वो थोड़ा बाकी है. सो एकदम परफेक्ट लुक आने के लिए ये भी कट करना पड़ेगा. बट ये जो है ना, ये परफेक्ट लगना चाहिए, उसकी वजह से ये सब जुगाड़ चलो है अपना. सो ऐसा लगाना पड़ेगा. पहले ये चिपका लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना अकेला, अगर इसको कुछ 3M टेप नहीं है सो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ऐसा गैप रहता है इसमें. सो हम इसको भी 3M टेप लगा के थोड़ी सी रिस्क कम कर देते हैं. सो यस, यहाँ पे भी ये लग गया है. इसमें जो गैप है वो गैप फिल करने के लिए ये लगाया है मैंने. और आजकल है ना, एमसील लगाने से कैसा होता है कि एमसील लगाएंगे तो लाइक हेलमेट का जो लुक है वो ख़राब हो जाता है. सो उसकी वजह से ब्लू आर्मर का ये वाला जो है ये परफेक्ट फिट है. यहाँ से निकालना पड़ेगा इसको, और कैसा यूज़ करना है पहले इंस्ट्रक्शन में देख लेना कुछ भी करके. अगर एक बार निकाल दोगे तो फिर बाद में नहीं यूज़ आएगा ये. अभी ये तो मैंने निकाल दिया है, अभी मुझे ये भी निकालना है ऊपर का. उप्स. और ये जो है हमारा दोस्त यूज़ कर रहा था बहुत दिनों से, बट उसका अभी तक कुछ ऐसा मतलब लूज़ वगैरह वैसा कुछ नहीं हुआ है. मैंने अभी अभी ये एपेक्स टर्बाइन लिया है थोड़ी दिन पहले. मतलब नया हेलमेट है तो किसी को भी ऐसी इच्छा नहीं रहती कि इसको कुछ ख़राब हो जाए वगैरह. और यहाँ पे दिया है कि ये वाली साइड ऊपर चाहिए, मतलब ऐसा लगाना है. सो पहले देख के लगाना, ऐसा मत लगा लेना. नोज़ वाला जो वेंट रहता है सो वहाँ से आपको दिक्कत आ सकती है, ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा वो. अभी इसको परफेक्ट लगाना है तो सीधा ऐसे पकड़ना और पहले से ही देख लेना भाई कहाँ तक आ रहा है. यहाँ तक है, एक बार चिपक गया ना, वही लग गया. बहुत आसान है बट परफेक्ट लगना चाहिए, ये बात है सिर्फ. जैसे कि मैंने गलती कर दी है थोड़ी यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मुझे. सो ऐसा कुछ लुक मिलता है इसका. सो यस, अभी ब्लू आर्मर का एकदम सादा सिंपल सा वीडियो था. और आपको दिख कैसे रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना, ये टेढ़ा लग गया है. बट कोई बात नहीं, एंगल तो सीधा दिख रहा है, बट ठीक है जो भी है जैसा भी है हो जाएगा. बस थोड़ी गलतियाँ मत करना लगाते वक्त, जल्दी जल्दी में लगा मत लेना. सो ये जो है ये अपने पहले के
पहले वाला सेटअप है ये, जो पहले वाला अपना हेलमेट था LS2 का, सो उसका सेटअप है ये। अभी इसको लगा के देखते हैं यहाँ पे कैसा लगता है। बट मुझे तो लगता है कि मोस्टली कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। माउंट तो बढ़िया से होगा है, अगर टेढ़ा वगैरह हो जाएगा तो यहाँ से हिल सकता है, नो डाउट। उतना भी अगर आप अलग से ऐसे माउंट्स लगा रहे हो तो बराबर एडजस्ट कर लेना। अगर मेरा थोड़ा सा टेढ़ा लग चुका है सो मैं यहाँ से ऊपर से माउंट कर लूँगा कि एंगल कैसा मिल रहा है, सो यहाँ से मैं माउंट कर सकता हूँ। उतना ऐसा गलत नहीं लगा है, बट आप लगाते वक्त अच्छे से लगा लेना। गलत लग गया ना तो आप कैमरा का जो एंगल है एक्शन कैमरे का, सो उसका थोड़ा इशू हो सकता है। अभी ये जो है यहाँ पे, ये है जे माउंट। सो ये जे माउंट पहले से ही मेरे पास था, और ये जो पूरा सेटअप जो है, ये सेटअप मैंने पहले से अपने LS2 के हेलमेट से लगाया हुआ है। और ये है अपना GoPro Hero 8, उसके उस पर लगाया है मीडिया मॉड, क्योंकि मीडिया मॉड नहीं तो आप माइक एडाप्टर जो है वो लगा सकते हैं, बट मोस्टली मुझे तो लगता है कि माइक एडाप्टर ही बेटर रहेगा आपके लिए। आप माइक एडाप्टर ही देखिए, फाइनली ऐसा कुछ लुक मिलता है अपने नए वाले सेटअप का। सो यह है अपना नया सेटअप। अगर मुझे इसे ऊपर करना है तो मैं इसको ऊपर भी कर सकता हूँ, यहाँ से नीचे से। अगर थोड़ा इसको ऊपर लेना है तो ऊपर ले सकते हैं, ऐसा करना है ऐसा कर सकते हैं। सब कुछ ऐसे थ्री फिटिंग जो है अपनी, पूरी थ्री वाली फिटिंग लगा दी है मैंने। मतलब मुझे चलाना हो तो ये पूरा सीधा लुक आएगा, ऐसा ये ऐसा लुक सीधा है। और यहाँ से अपना ये जो माइक है जो हम मोटो व्लॉग के लिए यूज़ करते हैं, सो ये यहाँ पे लग जाएगा, आराम से लग जाता है ऐसे। और इसको जो है अंदर से लेके यहाँ पे अंदर लगा देंगे। अपना ये नया व्लॉगिंग सेटअप कैसे लगा, मोटो व्लॉगिंग सेटअप नया कैसा है बता देना जल्दी से। अगर आप गलती से ये जो माउंट है टेढ़ा लगा लेते हो, यानी कि जैसे कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मैंने कैसा लगा दिया है। सो इस साइड से थोड़ा सा ऊपर गया, इस साइड से थोड़ा सा नीचे आया। सो इसके लिए बहुत ही बढ़िया एक टेक्निक है, बिना मनी वेस्ट किए और बिना ये चिन माउंट वेस्ट किए। थोड़ा सा खर्चा आएगा, अगर आपके पास नहीं होगा तो ये माउंट ले लेना। आपको ये आपके एक्शन कैमरे के हाइट बढ़ाने में भी फ़ायदा देगा और अच्छा रहता है। आप जो ये माउंट है ना, आप इससे इसका एंगल सेट कर सकते हो, यानी कि आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा कि ऐसे ही लगा दिया है तो ये चिन माउंट, सो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के व्लॉग में यानी कि आज के वीडियो में आपको यही बताना था कि जो ब्लू आर्मर का चिन माउंट आता है वो बहुत ही बढ़िया है, आपके हेलमेट को ज़्यादा नुकसान नहीं मिलेगा उससे, आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। अपना जो महंगा आपका जो एक्शन कैमरा आता है वो बहुत बढ़िया से फिट हो जाता है। अभी जल्दी से राइड पे जाने की, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि जल्दी से कब हमें राइड पे जाने का मौका मिलता है। सो डेफिनेटली आगे वाला जो वीडियो आएगा अपने ब्लॉग पे, जो भी ब्लॉग आने वाला है, मोटो ब्लॉग आएगा, और डेफिनेटली कहीं तो हम जाने वाले, बहुत जल्द मिल जाएगा आपको, जल्दी माल मसाला मटेरियल सब कुछ आने वाला है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके जल्दी से वो रेड वाला बटन जो है ना बाजू में, जल्दी से जाके दबा दो, और उसी के बाजू में घंटे वाला आइकॉन है, सो जाके जल्दी से बेल आइकॉन दबा देना, और हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस जो आएंगे आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। और यस, अगर आपको हमारे शॉर्ट स्टोरीज वगैरह देखने, जो रील्स में डालता हूँ वो अगर देखने, तो आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ये यहाँ पे आएगी हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, सो जाके जल्दी से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए और अपने व्लॉग्स को भी देखते रहिए। सो विद दैट सेड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ अ डे। सो गाइज, मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, एकदम शानदार तड़कदार ऐसे व्लॉग लेके, मोटो व्लॉग्स लेके। सो टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, हैव फन।